हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नेल्सन मीडिया अर्निंग ऐप्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसमें सर्वे पेज को कैसे फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा, और इस लिंक क्लिक करने के बाद सर्वे की लिंक ओपन होगी। ओपन होते ही यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और वहाँ पे देखेंगे टर्म ऑफ कंडीशन को, हम उसको अलाउ करेंगे। उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हमको दोबारा टर्म कंडीशन को अलाउ करना है, फिर हमको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे फुल नेम लास्ट नेम लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना डिटेल्स को फुलफिल करूँगा। एवरीवन, यहाँ पे कोई भी नाम आप टाइप कर सकते हैं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, तो मैं अपना नाम को मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। और यहाँ पर आप एक्स वाई जेड कोई भी मोबाइल नंबर अपना दे सकते हैं, जो किसी के मोबाइल में भी हो, छोटा मोबाइल हो, बड़े मोबाइल हो, किसी मोबाइल का यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक अल्टरनेट नंबर है, मैं उसको टाइप्स कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एरिया पिन कोड पूछा जा रहा है कि यहाँ का एरिया का पिन कोड क्या है। तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ का एरिया का पिन कोड मैं यहाँ पे फुलफिल कर दिया। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। और यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड बना लेना है, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड हो अपना क्रिएट पासवर्ड बना लेना है। मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड बना ले रहा हूँ। पासवर्ड बनाने टाइम पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लेटर या कुछ भी स्मॉल लेटर दे देना है। और मिनिमम 8 अंक का पासवर्ड बनाना है दोस्तों। यहाँ पे रिक्वेटर आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे मैंने रिक्वेटर आईडी को टाइप कर दिया। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी जाएगी, जो मैंने नंबर यहाँ पे फुलफिल किया था, और जस्ट मेरे फ़ोन में आ गई ओटीपी। ओटीपी को यहाँ पे फुलफिल करेंगे। उसके बाद ओटीपी फुलफिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। और यहाँ पे अगर ओटीपी आने में लेट हो, तो यहाँ पे आप रिसेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ओटीपी जल्द आ जाए तो रिसेंट नहीं करना है, बल्कि हमको ओटीपी डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट कर जाने के बाद ये जो होती है ये सर्वे पेज होती है, इसी पेज को हमको फुलफिल करनी होती है। इसी में हम सबको कुछ कैटेगरियाज पे हमको ध्यान देना पड़ता है। बस एक ही चीज़ को हमको 1000 बार करना है, यानी एक ही चीज़ को बार बार करना है। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से देखना है और लोगों को देख करके बताना तरीके से फुलफिल करना है। बोला जाता है प्लीज़ यूज समथिंग अबाउट यूज पर्सनल, यानी कि हाउस होल्ड कहाँ तक है, जो एजुकेटेड यानी कि आप एजुकेशन हायर आप कहाँ तक हैं। तो सपोर्ट मैं अपनी एजुकेशन ले लूँ, कि मेरा एजुकेशन जो है बीकॉम है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है काइंडली टेक अ लुक एट दिस हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड में कितने प्रोडक्ट्स है घर में। जो भी नॉर्मली प्रोडक्ट्स होते हैं आज के डेट में, छोटी से छोटी प्रोडक्ट, हम उसमें यस करेंगे। जो मेरे पास नहीं है उसको नो करेंगे। कम से कम 6 प्रोडक्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि NCCS A और NCCS B, NCCS C कोटा के लिए हमको 6 प्रोडक्ट हमको चाहिए ही चाहिए। तो एयर कंडीशन मेरे पास नहीं है तो नो कर देते हैं। कार जीप पेन मेरे पास नहीं है तो वो नो कर देते हैं। फैन है, यस कर देते हैं। कलर टीवी, LED TV, यस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यस कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर, यस कर देते हैं। गैस स्टोव, यस कर देते हैं। पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर मेरे पास है तो उसको यस कर देते हैं। टू व्हीलर मेरे पास है, आप यस कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन नहीं है तो नो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देख लेना है सर कि 10 ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट हैं, 10 में से मेरे को 6 हमेशा चाहिए। 6 से ज़्यादा हो जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन 6 कम से कम चाहिए। अगर 6 से कम दे देंगे तो वो DNCCS में आ जाएगा, जो कि वो पेंडिंग हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट में चल जाएगा। इसीलिए 6 प्रोडक्ट कम से कम यहाँ पर हमको देना है, और नॉर्मली हर एक के घर में 6 प्रोडक्ट होते ही होते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करना है डज योर फैमिली एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हैं कि नहीं है। तो मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ, यहाँ पे यस या नो कुछ भी आप टाइप्स कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर वर्किंग स्टेटस, यानी कि आप एक वर्क कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं। तो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ तो वर्किंग डाल दिया। हैज़ योर मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव 15 ईयर अलाउ बच्चे, यानी 15 साल के नीचे बच्चे हैं कि नहीं है। तो मेरे पास तो नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि हाँ आफ्टर डू द लिविंग, यानी कि अपने फैमिली के साथ कितने लोग, मतलब कि आप टीवी देखने का स्थिति कितने बने, वीकली है या पर डे देखते हैं, 1 से 2 दिन पे देखते हैं, या मैं वीकली कर देता हूँ। और डू यू रिस्पेक्ट योर इज मोबाइल, यानी कि आप जो ये मोबाइल फ़ोन है आप
खुद यूज करते हैं, आपके और मेमोरी के साथ फैमिली के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे यस से हम कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद सारा कुछ मैं एक बार फिर से मिला ले रहा हूँ, हर एक चीज़ अगर कुछ ऑप्शन नहीं छूटता है तो नीचे में जो ऑप्शन होता है इसको हम फिर से यहाँ पे फाइनली यस कर देते हैं। यस करने से क्या होती है, मेरी सर्वे की पेज फुलफिल हो गई है। अब मेरे को क्या करनी है, यहाँ से ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। ऐप्स डाउनलोड करने का यहाँ पे तीन लिंक्स आ जाता है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाउनलोड दी ऐप, उस पर क्लिक कर लेंगे और ये ऐप्स क्या होंगी, डाउनलोड हो जाएगी। ये ऐप्स यहाँ पर जैसे मैं डाउनलोडेड पे क्लिक करूँगा, ये ऐप्स डाउनलोडेड हो जाएगी। डाउनलोडेड होने के बाद क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं बिना गमाए हुए मैं चले ऐप को मैं ओपन करता हूँ। तो मैं ऐप को ओपन करता हूँ, यहाँ पे नेल्सन मीडिया का इंटरफेस है, इसको मैं ऐप्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं लॉगिन कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा पहले से ही यूज़र आईडी बना हुआ है, तो मैं अपना यूज़र आईडी को यहाँ पे टाइप्स करता हूँ। एक्चुअली ये मेरा फ्रेंड का फ़ोन है, मैं उसके फ़ोन में मैं यहाँ पे एक्सेस को ऑन करूँगा और आप सबको बताऊँगा कि नेल्सन मीडिया वर्क कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को इंक्वायरी थी कि सर इसको पूरा वीडियो में मेरे को दिखा दे, जो कि मेरे को काम करने में अच्छे हेल्पफुल हो। तो मैं प्रोसेस को मैं डन करता हूँ, मैं अपना पासवर्ड को डन करता हूँ और जैसे मैं अपना आईडी पासवर्ड इंटर किया, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे लॉगिन का जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनेबल टू एक्सेस को वन करना होता है। देखिए यहाँ पे इनेबल एक्सेस ऑफ है और मैं यहाँ से नेल्सन मोर को मैं परमिशन दूंगा, यानी कि इनेबल टू एक्सेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ के ऑप्शन को एस करना पड़ता है। तो ऑप्शन को जैसे मैं यहाँ पे वन करता हूँ, ये सेटिंग में लेके चलेगी दोस्तों। और सेटिंग में जाकर के मेरे को यहाँ पे ढूंढना है कि नेल्सन मोर कहाँ पर है। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद आपको ये नेल्सन मोर कहीं पे हो सकता है, चाहे तो ऊपर में हो सकता है या तो नीचे में हो सकता है, क्योंकि हर एक फ़ोन का सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मेरे को यहाँ पे देखिए नेल्सन मोर यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सेस को मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। एक्सेस को यस करने के यहाँ पे परमिशन दे दिया, यहाँ पे ओके। उसके बाद मैं एक बार यहाँ से बैक जाता हूँ दोस्तों, और बैक जाने के बाद नेल्सन मोर मेरे को फिर से एक बार परमिशन देने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं फिर से इसको ओके करता हूँ और ये मेरे को यूजर एक्सेस में ले जाएगा। यानी कि यूजर एक्सेस में मेरे को एक बार और नेल्सन मोर को हमें परमिशन देनी है। तो यूजर एक्सेस में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी नेल्सन मोर लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑफ है। इसको भी मेरे को सेटिंग से ढूंढ करके इसको मेरे को यस करनी है। यहाँ पे ऑफ है, इसको मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ एक्सेस को। और जैसे मैं एक्सेस को वन करूँगा, मैं फिर से एक बार बैक जाता हूँ दोस्तों। और बैक जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अलाउ टू एक्सेस वन होता है कि नहीं, फिर से मैं इसको अलाउ कर देता हूँ।